हे यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आ चुके हैं एक अलग सी दुनिया में, अलग से गेम प्ले के साथ। गाइस कोई भी ये नीचे जाके कमेंट नहीं करेगा कि भाई इतने सालों के बाद कैसे याद आई मेरी, बट हाँ मैं आ गया हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। आज जो हम खेलने जा रहे हैं गाइस, ये है ग्रैंड आरपी। बहुत सी वीडियोज में आपने देखा है आरपी सर्वर्स, आरपी का सारा ही हिसाब किताब आपको मेरे से ज़्यादा पता है। बट गाइस ये वाली गेम को मेरे को खेलने का रीज़न ये था, इसमें थोड़े से रोल प्ले भी थे और ये इजी थी एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल होना। तो गाइस आज हम ये वाली गेम खेलने जा रहे हैं। आ गए हम एक ऐसी सिटी के अंदर जहाँ पे बहुत से गैंगस्टर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं गाइस। तो गाइस आज हम ये वाली जो सीरीज करने वाले हैं, ये भी फर्स्ट सीरीज होने वाली है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी अपनी गाड़ी को समन कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक आपको टूर दे दूंगा। प्लस इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेरे को बताना है, बहुत सी न्यू ऑडियंस ऐसी है जिसको नहीं पता इसके बारे में, इस गेम के बारे में, इसके इंटरफेस के मेटा के बारे में। तो वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इस सब चीज़ों को कंटिन्यू करते जाएंगे एज अ सीरीज में। आज की पहली वीडियो है, इसमें हम सिंपल बात करेंगे, ठीक है, कि हमें इस मतलब इस वर्ल्ड के अंदर हम जब आए हैं हमें क्या चाहिए, हमें भी पावर चाहिए, क्या कर सकते हैं गाइज हम इसके अंदर, हम रॉबरी कर सकते हैं, हम इसमें किसी को हॉस्टेज बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें गैंगस्टर बनना पड़ेगा। तो अब भी अपना ऐसा सीन कोई नहीं है, क्योंकि हम मतलब क्राइम की दुनिया में नहीं जाना चाहते, अपना रिकॉर्ड साफ है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा हटके करेंगे। पहले तो मैं आपको टूर करा देता हूँ, ठीक है गाइज। अभी मैं फटाफट आपको ना एक हल्का सा टूर दे रहा हूँ, और उसके बाद अभी मैं यहाँ से सीधा ना हॉस्पिटल के लिए जाने वाला हूँ। मैं हॉस्पिटल पहुंच के आपको एक बार मिलता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा आपको सारा सेटलमेंट बताता हूँ, कैसे वहाँ पे ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, कैसे वहाँ पे रोल प्ले किया जा रहा है। और मोस्टली इसमें सारे प्लेयर्स ऑनलाइन मिलने वाले हैं आपको, कोई भी बॉट नहीं होने वाला गाइस, पहली बात इस गेम में। और कोई भी अगर मेरी वीडियो से इंस्पायर होके गेम में आता है तो मेरा प्रोमो कोड लगाना ना भूले, रांझा, आर बड़ा और जे बड़ा, दैट्स इट, ठीक है गाइज। और हाँ गाइज, अगर आप मेरे से पूछेंगे इस गेम के बारे में कि इसका ट्यूटोरियल कैसे होने वाला है, स्टार्टिंग फेज में क्या क्या हमें करना है, हम जब एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो हमें वहाँ से आगे कैसे मतलब काम करना है, कैसे करना है, तो वहाँ पे सिंपल ऑप्शन है, तुम्हें सारा ही चीज़ें गाइड बताएगा। स्टार्टिंग फेज जो जो रहने वाले हैं वो सारी आपको एक टेक्निकल गाइड बताएगा, आपको सब बताएगा उसके बारे में कि आपको कैसे क्या करना है, मतलब जो जो इस चीज़ गेम में मतलब फीचर्स हैं वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा वो इंट्रोड्यूस कर देगा। बाकी तो आपको खेल के ही समझना है, और आप सब मास्टर्स हैं गेम के यार, तो मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना। अभी हम हॉस्पिटल आ गए हैं, यहाँ का आगे का आपको मैं सारा सिस्टम समझाने वाला हूँ, यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। अभी हम अंदर चल लेते हैं, हम अंदर भी बात करेंगे डॉक्टर से कि क्या वो हमारी हेल्प करेगी वीडियो के लिए, तो हम नॉर्मली सभी से क्लियर करेंगे। तो गाइस अभी जितने भी देख रहे हो ना ये बंदे, ये कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स हैं, या तो ये फाइट करके आए हैं, आर्मी से पिटे हैं, या FBI से, या तो पुलिस से, ये वो उन बंदे हैं जो पिट के आए हैं, ठीक है। अभी हम हॉस्पिटल में अंदर एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हो इनकी हेल्थ बार आपको रेड दिख रही है, ये भी फिल कर रहे हैं। अब ये जो नैन्सी है, ये चाहे तो इनको स्टार्टिंग में हील कर सकती है, मतलब प्रॉपर हील करके इनको बाहर भेज सकती है, या तो ये वेट करेंगे, इनकी हेल्थ बार सिंगल 1/1 करके 100 होगी, देन ये बाहर निकल सकते हैं हॉस्पिटल से। उससे पहले कोई भी बंदा यहाँ से लीव नहीं कर सकता, ये एक रियल इन्होंने बनाने की कोशिश की है। अभी हम चल के नैन्सी से बात करेंगे, क्या नैन्सी हमसे बात करती है कि नहीं करती है, तो एक बारी हम उनसे भी बात करेंगे। तो सिंपल इसको मैं पूछ रहा हूँ कि नैन्सी व्हाट्सअप, क्या ये हमें रिप्लाई करती है, सिर्फ हम वही चीज़ देखेंगे, बाकी करना तो चाहिए, मेरे को जहाँ तक है इसको करना चाहिए, क्योंकि इसकी ड्यूटी है ये चीज़ की। ओके नाइस, उसने रिप्लाई कर दिया हाय सर, ठीक है। वो नॉर्मली इसको हर एक सिविलियंस को एज अ ट्रीट करना है, सर मैम ये कंपलसरी है। तो इससे पूछते हैं हम सिंपल ना कि इसका दिन कैसा चल रहा है। तो सिंपल एज दैट मैंने उसको पूछा कि भाई तेरा दिन कैसा गया आज का, तो क्या ये इंटरेस्टेड है हमसे आगे कंटिन्यू करने में बाद में। तो ये आई थिंक मेरे को रिप्लाई करा उसने, यस सर, ठीक है। तो एक बारी हम ना फिर से ट्राई कर लेते हैं क्या
हमसे वो हेलो आके हेलो, कन्वर्सेशन करती है कि नहीं, बट वो हमारी तरफ आगे होके आई है, दैट इसे मीन्स हॉस्पिटल ने कैसे बड़ी ज्वाइन है, हो? ठीक है ना? तो हम इसे नॉर्मली हल्का सा ओके, यहाँ पे बंदा भी मेरे से बात करना चाहता है, ये मेरे से इस टाइम पे बात कर रहा है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी भी कैसे ज्वाइन करूँ। तो मेरे भाई सिंपल एज दैट है, तुम्हें ऊपर फोन का आइकन दिख रहा है, फोन के आइकन में जाओ, रिवॉर्ड्स में जाओ, वहां पे आपको सोशल मीडिया के काफी सारे प्लेटफॉर्म दिख जाएंगे, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी हम इससे एक बारी बात कर लेते हैं। मैंने इसको सिंपल बताया कि मैं वीडियो के कंसर्न से रिलेटेड यहाँ पे आया हूँ, क्या ये थोड़ा सा मतलब अपने रोल के बारे में मेरी ऑडियंस, मेरी जनता, आप सभी को क्या थोड़ा सा बताएगी? तो एक बारी हम उससे वो बात करते हैं। अगर तो ये सिंपली मतलब बता देती है तो बढ़िया है, अगर नहीं बताती तो मैं थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक बारी हम इससे कंफर्म कर लेते हैं कि कुछ मतलब हमारा हल्का सा हेल्प कर देना, मतलब आपको भी थोड़ा सा हो जाए। तो इसको मैं सिंपली भी लिखने लगा हूँ, नैन्सी कैन यू इंट्रोड्यूस योर रोल फॉर माई ऑडियंस? ठीक है, अब यार तुम मेरी ना इंग्लिश पे मत जाना भाई, ठीक है भाई? यहाँ पे फटाफट करना पड़ता है, मतलब टाइपिंग फास्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, तुम्हारे आगे काफी बंदे खड़े हैं और तुम्हें गन पॉइंट पे लिया है, तो तुम्हें फास्ट टाइप करना है भाई, तो उस चक्करों में थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली हम ना खड़े हो जाते हैं एज ए पोज में। तो इसको एक बारी मैं पूछता हूँ, मैंने सिंपल इसको मैसेज डाला है कि भाई मुझे अपने रोल के बारे में थोड़ा सा बता दे कि मेरे को अपनी ऑडियंस को बताना है। चलो इसका वेट कर रहे हैं रिप्लाई का, टाइपिंग तो कर रही है, सिंपल आपको दिख रहा है ऊपर। ये यार जो वॉइस का ऑप्शन दिया है, अभी ये आने वाले टाइम में फिक्स हो जाएगा, इसके ऊपर आई थिंक वर्क हो रहा है। ठीक है, उसने सिंपल आगे बोल दिया, हेलो एवरीवन, आई एम नैन्सी द ट्रेनी ऑफ हॉस्पिटल। तो मतलब हम उसको थैंक्स बोलेंगे कि उसने मतलब हमारी इतनी सी हेल्प कर दी, आप सबको अपना एक छोटा सा रोल बता दिया। ठीक है, तो अब भी हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सिंपल बोल देंगे और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है गाइज, अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं आपको आगे का थोड़ा सा और बता देता हूँ सिस्टम कैसे आगे चलने वाला है। अभी हम बाहर आ चुके हैं गाइज, तो आप जैसे देख सकते हो ये सारे वो बंदे हैं जो अभी हील होके बाहर आए हैं। तो अगर आप इनके नाम को भी देखोगे ना, कैम्पलर, तो ये इससे मतलब क्या आपको पता चलेगा? सिंपल कि ये भाई है गैंगस्टर टाइप के बंदे हैं। अभी मेरी गाड़ी यहाँ से कोई ले गया तो हम सिंपली अपनी गाड़ी को समन कर लेंगे, और इसका ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप अपनी गाड़ी को कहीं पे भी पार्किंग में समन कर सकते हो। तो ये मेरी गाड़ी आ गई है, ठीक है गाइस? अगर आप बोलोगे आने वाले टाइम में कि भाई अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर, मॉडिफाई कर, मैं वो भी करूँगा तुम्हारे लिए भाई, कुछ भी। तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। मैं स्क्रीन मतलब अपनी विंडशील्ड को टिंट कर सकता हूँ, पूरा ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी हेडलाइट्स को, स्पॉयलर्स को, बम्पर्स को, साइड स्कर्ट्स को, मतलब बहुत से इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसको मैं कर सकता हूँ अपग्रेड, बट ये सब आपके ऊपर है गाइस। कमेंट करोगे तो इसको हम अच्छी सी गाड़ी बनाएंगे। ठीक है, अभी हमने हॉस्पिटल कर लिया, अब हम जाएंगे एफबीआई में। मैं आपको थोड़ा सा एफबीआई का रोल बता दूंगा, तो एफबीआई में भी हम चल के आपको हल्का हल्का तो मैं बता दूंगा। अभी मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं एफबीआई ज्वाइन कर सकता हूँ, या एलपीडी ज्वाइन कर सकता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट, या हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकता हूँ, गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकता हूँ, आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब काफ़ी ह्यूज वैराइटीज़ है मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड क्लियर है, मेरे को कोई फाइन नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं किया मैंने इस सिटी में, नॉर्मली हम मतलब अच्छी तरह से हमने वेल प्ले किया इस गेम को। तो एक बारी मैं आपको एफबीआई का सीन बता देता हूँ, उसका मैटा पूरा समझा देता हूँ, और जहाँ तक है यहाँ पे कोई ना कोई भसड़ मची होगी। तो जैसे कि मेरे को लग रहा था, आप गाड़ियाँ देख सकते हो, कितने सारे बंदे यहाँ पे एफबीआई वालों को मारने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे इस सिटी में कोई ना किसी को मारता ही रहेगा भाई, ये एक चीज़ यहाँ पे बहुत वो है। तो एक बार हम अंदर चल लेते हैं, मेरे को थोड़ा सा ऐसा डर भी है कि कहीं अंदर बंदे ना बैठे हों, तो सीन हो सकता है, तो हम वहाँ पे थोड़ा हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को। मैं गाइस जैसे ही अंदर पहुंचा, इस बंदे से जनरल बात कर रहा था, इस बंदे ने मेरे पे शूट कर दिया, और हड़बड़ी में गाइस मेरे से गन ही नहीं निकली यार, और मैंने निकाल दी शॉट गन, मैंने तो उसको मार दिया, बट ये मेरे को पता नहीं क्यों नहीं मारा, कुछ समझ नहीं आया भाई का मेरे को। बट हाँ, ये हो सकता है ये वही बंदे थे जो बाहर गाइस बैठे हुए थे, आपने जिनकी गाड़ियाँ देखी। और फिर इस बंदे से भी मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई,
तो ये बंदा मेरे को बोलता कि भाई मैं यहाँ पे काफ़ी देर से किसी FBI एजेंट का बात काम मतलब वेट कर रहा था उसको रिपोर्ट करने के लिए कि ये बंदे मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो इससे जनरल मैंने बात बात की और मैं यहाँ से निकलने के लिए निकल पड़ा यहाँ से, क्योंकि मेरे को ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना गाइस। इससे मैंने बात की, मैं बाहर आ गया गाइस। अब सिंपल सा फंड है गाइस, मैंने आपको सारा मैटा समझा दिया है। अब आप मेरे को बोलोगे ऑर्ग ज्वाइन कैसे करना है, मैंने वो भी आपको बता दिया, ठीक है ना। मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, सब चीज़ें मैंने आपको गाइस क्लियर की हैं। और आप मेरे को बोलोगे कि गाइस भाई आपने सब कुछ तो बता दिया, आप ये नहीं बताया कौन सी ऑर्ग जा रहे हो। तो तुम्हारा भाई जा रहा है आर्मी में, सिंपल एज दैट गाइस। क्योंकि मुझे पसंद है अपना देश, किस किस को नहीं पसंद। अगर है तो जय हिंद स्पैम होना चाहिए गाइस कमेंट में। तो सिंपली मैंने आर्मी ज्वाइन की है गाइस, आप अपना मेरे को बताना आप क्या ज्वाइन कर रहे हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आने वाले सीरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें नॉर्मल ही चीज़ों को मैंने कवर किया है। बाकी आप बिल्डिंग्स देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर्स की यूज़ की हुए हैं। बट अब आप बोलोगे कि गाइस इसके आगे क्या होने वाला है, इसमें आने वाले में बहुत ज़्यादा मिशन होंगे मेरे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। कुछ कॉन्फिडेंशियल मिशन होंगे जो कि मैं पूरा नहीं दिखा सकता ड्यू टू सम रीजंस, बट मैं आपको जितना हो सकेगा उतना बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइस। दैट्स फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया होगा कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जो भी नहीं है वो RP ग्रैंड में ज्वाइन करो, और भाई का प्रोमो कोड लगाना मत भूलना, रांझा, ठीक है गाइस। बाय बाय, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में जल्दी।